जी तो व्यूअर्स, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि अ माइक्रोवेव ओवन इज अवेलेबल फॉर ₹17,000 इन कैश और ₹2,000 डाउन पेमेंट फॉलोड बाय 7 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2,500 ईच, कंप्यूट द टोटल पेमेंट। सिंपल, ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एक माइक्रोवेव ओवन है जो कि नकद कीमत पर दिया जा रहा है 17,000 का, अगर उसको और डाउन पेमेंट जो है उसकी 2000 है, अगर कोई लेना चाहता है तो वो डाउन पेमेंट 2000 करेगा और 7 मंथ्स उसकी जो है इंस्टॉलमेंट है जिसमें हर एक महीना उनको 2500 रुपीस देने होंगे। उसमें जो थे डाउन पेमेंट 4500 थी, इसमें 2000 है, उसमें 9 मंथ्स थे, इसमें 7 मंथ्स हैं, उसमें जो हर एक महीने की जो इंस्टॉलमेंट थी वो थी 2000, यहाँ पर है 2500। तो इसमें जस्ट टोटल पेमेंट मालूम करनी है, उसमें उन्होंने जो कहा था कि वो कितने सेव करेगी, तो वो वाला पोर्शन अब इसमें नहीं करना, यहाँ पर इसको जस्ट टोटल पेमेंट तक इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जो कैश प्राइस ऑफ ओवन है वो है 17,000, डाउन पेमेंट जो है वो है 2000, नंबर ऑफ मंथ्स जो है वो है 7, और ईच इंस्टॉलमेंट हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो है 2500। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो 7 मंथ्स जो कोई भी इंस्टॉलमेंट 7 मंथ्स का देगा तो वो कितने बनेंगे, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, तो नंबर ऑफ मंथ्स हैं 7 और जो हर महीने देने होंगे वो है 2500। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17,000, ठीक है, 500 टोटल इंस्टॉलमेंट इतनी आ गई है 7 महीनों की। अब हम टोटल पेमेंट मालूम करेंगे, तो टोटल पेमेंट क्या है, जो डाउन पेमेंट है वो क्या है 2000 और जो टोटल इंस्टॉलमेंट है वो है 17,500। तो हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर लेंगे, तो ये है 2000 और टोटल इंस्टॉलमेंट जो है वो है 17,500, तो ये आ जाएंगे 19,500। उन्होंने अब प्राइस बता दी थी कि ये है 17,000 का ओवन है, लेकिन अगर कोई इसको इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहता है तो उसकी ये डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ मंथ्स बता दी है, तो उसको वो ओवन अगर कोई इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहेगा तो वो फिर उसको इतने पे करने पड़ेंगे 19,500। सो दिस इज द आंसर। अच्छा, मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि जिन क्वेश्चंस का आंसर अगर एंड में गलत आ रहा है आंसर्स में, बुक में, तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपने उसको उसी तरह जो नंबर्स दिए हैं उसको पुट करना है फॉर्मूले में, आपने आंसर पर, बुक के आंसर पर नहीं जाना, क्योंकि मैं कितनी मरतबा बता चुकी हूँ कि बुक के आंसर मोस्टली जो हैं बीच में गलत होते हैं, ठीक है। तो आप अपने ही तरीके से करें, बेशक उसको अगर कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं या खुद से, तो वही आंसर आएगा, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, मेरे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद आमिर पेड अ मार्कअप ऑफ ₹520 ऑन एन आइटम दैट कॉस्ट ₹5,800 इफ द टाइम पीरियड इज 2 ईयर्स, कैलकुलेट द रेट ऑफ द मार्कअप। कहा है कि आमिर ने जो है एक आइटम पर, जिस एक चीज़ थी जिसकी कीमत थी 5,800, उस पर उसने मार्कअप दिया है, रुपीज़ पे किया है 5,520 का। इफ़ द टाइम पीरियड इज़ 2 ईयर्स, अगर टाइम पीरियड जो है वो 2 साल है, तो कैलकुलेट द रेट ऑफ द मार्कअप, तो उस मार्कअप का रेट मालूम करें, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो मार्कअप है वो 250 है, प्राइस जो है वो 5,800 है, ठीक है, टाइम जो है वो 2 ईयर्स का है और रेट मालूम करना है, तो यही फार्मूला है, इसमें हम पुट कर लेंगे। तो मार्कअप इन्होंने दिया है 520, प्राइस जो है वो है 5,800, रेट हमें मालूम करना है और टाइम जो है वो 2 ईयर्स है और 100 एज इट इज़, तो ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये हो गया 520 इक्वल टू 58 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 116 आर एज इट इज़। अब हमने रेट मालूम करना है, तो रेट के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको यहाँ भी डिवाइड कर लें और उसको यहाँ भी डिवाइड कर लें, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, और जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4.48%। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। अब मेरे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर रजिस्टर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मार्कअप ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹95,400 एट द रेट ऑफ 13% पर एनम फॉर 5 ईयर। सिंपल, इन्होंने जो चीज़ें दी हैं, ठीक है, इन्होंने कहा है कि आप मार्कअप मालूम करें,
प्राइस जो है, अमाउंट जो है वो 95,400 दी है, रेट जो है वो 13% दिया है और टाइम जो दिया है वो 5 years का दिया है. फाइंड द मार्कअप, आपने मार्कअप मालूम करना है. ठीक है, तो इसमें हमारे पास हम क्या कर लेंगे, मार्कअप जो है वो हमने मालूम करना है. ठीक है, अमाउंट जो है वो है 95,400. ठीक है, रेट जो है वो हमारे पास है 13 और हमारे पास टाइम जो है वो है 5 years. अब इसमें पुट कर लें तो मार्कअप को तो फाइंड करना है. प्राइस जो है वो है 95,400, रेट जो है वो 13 है और टाइम जो है वो 5 है और 100 एज इट इज़. ये इससे कैंसिल हो गया. आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 62010. ठीक है, तो ये आपके पास मार्कअप आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 कि द प्राइस ऑफ अ मोबाइल इंक्लूडिंग मार्कअप इज ₹15,610. इफ द मार्कअप रेट इज 7% पर एनम फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप फॉर 2 years. ठीक है, एक मोबाइल है जिसकी प्राइस मार्कअप के साथ 15,610 है. ठीक है, मार्कअप रेट जो है वो 7% है पर एनम एक साल, हर साल. ठीक है, 7% पर एनम एक साल का. फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप फॉर 2 years. तो आप फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप, आपने मार्कअप फाइंड करना है 2 साल के लिए. ठीक है, मार्कअप यहां पर फाइंड करना है तो वही है. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मार्कअप फाइंड करना है. रेट जो है वो हमारे पास है 7. ठीक है, प्राइस जो है वो है 15,610. ठीक है, और टाइम जो है वो है 2 years. अब इसी में आप पुट कर लें तो ये आपके पास 15,610, रेट जो है वो 7 है, टाइम जो है वो 2. ठीक है, और ये 100, ये 0 इससे कर कैंसिल हो गया. इसको आप जो है डिवाइड कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 21854 डिवाइड बाय 10. ठीक है, तो इससे आपके पास आ जाएगा 2185.4 समथिंग. ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया. जी तो व्यूअर्स, अब मेरे पास इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कैसर है. बॉट अ मोटर बाइक फॉर ₹1,25,000 एंड पेड अ मार्कअप ऑफ ₹25,000 फॉर 2 years. व्हाट मार्कअप रेट डिड ही पे. कैसर ने मोटर बाइक जो है वो खरीदा जो कि था 1,25,000 का और उसने पे किया मार्कअप 25,000 फॉर 2 year, 2 साल का. व्हाट मार्कअप रेट, तो आपने बताना है कि उसने मार्कअप रेट कितना अदा किया. तो इसमें जो मार्कअप है, ठीक है, वो उसने पे किया है 25,000. प्राइस जो है वो है 1,25,000 और टाइम जो है वो है 2 years और रेट जो है वो फाइंड करना है. तो हमारे पास जो फार्मूला है मार्कअप का, P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T डिवाइड बाई 100. तो मार्कअप उसने पे किया है 25,000. प्राइस जो बाई की है वो है 1,25,000. रेट हमने मालूम करना है और टाइम जो है वो 2 साल का है. 100 अपनी जगह पे तो ये इससे कैंसिल हो गया. 25,000 जो है वो अपनी जगह पे. इस 2 को 1,250 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 2,500. 2,500 मल्टीप्लाई बाय आर, रेट मैंने मालूम करना है तो 2,500 को यहाँ भी डिवाइड करें और 2,500 को यहाँ भी डिवाइड करें तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया और ये तो हमारे पास जो रेट है वो आ गया 10%. बुक में इसका पीछे आंसर गलत है लिहाजा इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 10%.